हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल के फॉर यू प्रेजेंटेड। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से जाके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और कमेंट में हमें लास्ट में आपने फुल वीडियो देख के बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो जो लोग जो हैं साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट रखते हैं और साइबर सिक्योरिटी की फील्ड को स्टार्ट लेना चाह रहे हैं लेकिन उनको एक रास्ता नहीं पता कि वो स्टार्ट कहाँ से लें, तो उनके लिए जो है ये वीडियो मैं लेके आया हूँ, यानी बिगिनर्स के लिए ये वीडियो बनने वाली है। तो आपने इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक लाजमी वॉच करना है। ये वीडियो जो है वो स्पेशल होने वाली है। आप लोगों को ये चीज़ अभी तक किसी ने नहीं बताई होगी। आप जाते हैं साइबर सिक्योरिटी सर्च करते हैं और बस दरमियान से जो आप काम स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन एक चीज़ की हायरार्की होती है जिस पे आपने चलना होता है, तभी जो है आप एक फील्ड में एक एक्सपर्ट लेवल पर जा सकें। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो आपके लिए मैं बुक लेके आ रहा हूँ, ये बुक है द वेब एप्लीकेशन हैकर्स हैंडबुक। तो ये बुक जो है आप लोगों ने जो है नेट से जो है डाउनलोड कर लेनी है या कहीं से भी आपको मिल जाती है उसको ले लेना है, या मैं जो है इसको जो है गूगल ड्राइव पे अपलोड करके आपके साथ गूगल जो है डिस्क्रिप्शन में जो है शेयर भी कर दूंगा इसका लिंक, तो आपने वहाँ से जो है इसको डाउनलोड कर लेना है। तो ये बुक जो है बनी है स्पेशली इसीलिए कि आप लोग जो है इसका स्टार्ट कहाँ से लिए। ये जो है बिगिनर्स के लिए जो है बुक है जो कि बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक है। इसमें हर वो चीज़ आपको दिखा दी गई है जिसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो ये बुक जो है आप लोगों ने डाउनलोड कर लेनी है और इस पर आप लोगों ने काम शुरू कर देना है। अगर आप चाहते हैं कि इस बुक को मैं एक्सप्लेन करूं विद प्रैक्टिकल्स, तो आपने इस बुक को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है और हमारे चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब करना है, ताकि जो है मैं इसके ऊपर मुझे जो है मोटिवेशन मिलती रहे और मैं इसके ऊपर आपके लिए काम लेके आऊँ। तो आप लोगों ने इस बुक को डाउनलोड करके जो है, अगर आप बुक्स पढ़ने वाले बंदे हैं तो आप लोगों ने इस बुक को लाजमी जो है पढ़ना है। इस बुक को जिसने भी पढ़ा है वो लाजमी जो है एक प्रो लेवल साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट जो है बना है। तो ये इसके चैप्टर्स हैं। चैप्टर वन जो है आपको मिल जाता है वेब एप्लीकेशन इन सिक्योरिटी। चैप्टर नंबर टू कोर डिफेंस मैकेनिज्म। इसके बाद आ जाए चैप्टर थ्री वेब एप्लीकेशन टेक्नोलॉजीज। तो ये तमाम जो हैं चैप्टर्स आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप जो है वो पढ़ लेने हैं, और ये मैं आपको बार बार कहता हूँ, अगर आपने इस फील्ड में आना है तो इस चीज़ इस बुक को आपने लाजमी पढ़ लेना है। आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी, मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये आप लोगों ने लाजमी जो है इसको पढ़ लेना है। और इसके अलावा जो है मैंने आपको बता दिया, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको इसके जो है लिंक्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, और इसके अलावा जो है मैं आप लोगों को इसकी फुल बुक की एक्सप्लेनेशन और विद प्रैक्टिकल भी कर दूंगा। इसके अलावा जो है आप लोगों ने अपनी मशीन में, यानी लैपटॉप या जो है आपका पीसी हो, जहाँ पर भी आप ये काम परफॉर्म कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपके पास जो है एक लाइनक्स जो है इंस्टॉल होनी चाहिए। तो उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले VMware वर्क स्टेशन प्रो को जो है डाउनलोड कर लेना है, और फिर इसमें जो है आप लोगों ने एक विंडो कर्नल जिसको हम कहते हैं वो आप लोगों ने इंस्टॉल कर देना है। तो ये जैसे कि मैंने किया हुआ है, ये है काली लिनक्स। तो आप लोगों को ज़्यादातर जो है काम परफॉर्म यहाँ पर ही करने होंगे। ये एक बहुत ही सेफ़ और ओपन सोर्स विंडोज़ है, तो आप लोगों ने यहाँ पर काम करना होगा। तो प्रैक्टिकल्स के लिए आप लोगों ने लाजमी जो है इसको इंस्टॉल कर लेना है। कुछ काम जो है हम विंडोज़ पे करेंगे और कुछ काम जो है वो हम लिनक्स पे करेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। स्टार्ट में भी आपको मैंने कहा है, अगर आप चैनल पे नहीं हो तो जल्दी जल्दी जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि वीडियो हो जाने वाली है बहुत ही बेस्ट, और आप लोगों की साइकिल को देखते हुए जो है वीडियोस बनाई जाएंगी ताकि आपको समझ आए।
मैं उन लोगों की तरह वीडियो नहीं बनाता कि आप लोगों को काम करवाया दरमियान में कुछ छोड़ दिया, मैं वो काम हरगिज़ नहीं करता। तो लाजमी जो है आप लोगों ने जो है चैनल को सब्सक्राइब करना है और वॉच करते रहना है। थैंक्स।